जो ये कहते हैं, जो सर झुका कर कहते हैं कि भाई मेरे घर में लड़की आई है, उन लोगों पर ये करारा तमाचा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी को सलाम। देखो बच्चों, आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया। यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जितना भी स्कोर लिया है वे लड़कियाँ हैं, स्कोर पर रहने वाली लड़कियाँ, मतलब टॉप पर लड़कियाँ हैं। फर्स्ट रैंक पर लड़की रही ईशिता, नोएडा यूपी से। उसके बाद में सेकंड रैंक लिया है गरिमा ने, थर्ड रैंक लिया है उमा, और फोर्थ रैंक लिया है स्मृति मिश्रा ने। फिर छठे और नौवें नंबर पर भी दो लड़कियों ने ही बाजी मारी है, गहना नव्या जेम्स और कनिका गोयल है। लड़कियों ने यूपीएससी में टॉप रैंक लेकर उन लोगों पर ये करारा तमाचा मारा है जो ये कहते हैं, जो सर झुकाकर कहते हैं कि भाई मेरे घर में लड़की आई है, उन लोगों पर ये करारा तमाचा है। आज ऐसा दौर है, इस दौर में लड़कियां पढ़कर बहुत आगे तक जा सकती हैं, बहुत आगे तक जाती हैं। यूपीएससी के अंदर जैसे गरिमा का एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, गरिमा ने लिखा कि जो भी बंदा उनसे बातचीत कर रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, उनको उन्होंने बताया कि भाई मैंने जब तैयारी की ना तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ी। आर्थिक स्थिति पढ़ाई में आड़े आती है लेकिन उसका भी समाधान है। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा तू यूपीएससी फाइट करेगी, यूपीएससी में तेरा फर्स्ट रैंक ही आएगा। लेकिन मैं असमंजस की स्थिति में थी कि फर्स्ट रैंक आएगा कैसे। दिन भर मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता था, बहुत शोरगुल था, और यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो शोरगुल से अलग चलते हैं। तो उस बच्चे ने रात को दिन और दिन को रात बनाया, रात के 9 बजे से लेकर और सुबह के 9 बजे तक पढ़ना उसने अपना एम बनाया, और दिन में वो सोती या जो भी अन्य काम थी भी करती थी। इसीलिए कहते हैं बेटा, आप लोगों के लिए भी एक संदेश है, मेरा संदेश सुनना, और बहुत हो सकता है ये संदेश आप लोगों को मोटिवेट करे, बहुत आगे तक जाओ। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझमें दम है, अगर तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा, तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा के दिखा। हर आदमी, हर बच्चे के मन में अगर ऐसा जुनून होगा तो यूपीएससी जैसे कितने एग्ज़ाम क्लियर होंगे अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिस तरह से लड़कियों ने बाजी मारी, इस तरह से भारत का प्रत्येक लड़का भी बाजी मार सकता है। मैंने एक लड़के का भी उदाहरण आपको देना है, एक लड़का जो यूपीएससी के अंदर अच्छी रैंक बनाए बैठा है, वह लड़का विकलांग है, उसके दो पैर नहीं है, हाथ हैं, एक हाथ है जिसमें दो उंगलियाँ हैं। लोग कहते हैं ना कि विकलांगता अभिशाप है, इस बच्चे ने साबित कर दिया है विकलांगता अभिशाप नहीं है, आदमी की सोच अभिशाप है। जिसकी सोच अच्छी होगी वे बच्चे आगे निकलते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है बातें करते हैं कि मेरे तो स्थिति, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो मैं शायद ये कर देता, मैं शायद वो कर देता। भाई, आर्थिक स्थिति सभी के जीवन में आड़े आती है, लेकिन जो इनका डटकर मुकाबला करता है वे अपने जीवन में सफल होते हैं। थैंक यू।